मर्डरर्स थे वो भी पकड़ लिए गए गुजरात पुलिस के द्वारा। देखिए मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश और गुजरात पुलिस के संयुक्त प्रयास के ये शानदार परिणाम हैं कि बहुत बड़े मतलब हत्याकांड का खुलासा हुआ है, उससे संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने सूचना के अनुसार अपने अपराध को कबूला है और अब कानून के दायरे में वह आ चुके हैं और सरकार की ओर से पूरा प्रयास होगा कि ऐसे अपराधियों को कठोरतम दंड और वह जल्द से जल्द मिले जिससे इस प्रकार का अपराध करने की जो कोशिश करते हैं उनके मन में डर और भय पैदा हो, यही हमारी सरकार की ओर से प्रयास। परिवार के साथ जो परिवार अभी भी कह रहा है कि हाँ ठीक है अगर पकड़े गए हैं पर जेन्युइन लोग पकड़े जाएं जल्द से जल्द उनको सजा। परिवार परिवार की पीड़ा से भी हम सहमत हैं, इस समय पीड़ा की अवस्था है, वह किसी की किसी परिवार का कोई सदस्य माँ है तो उनके बेटे का जाना उनके जीवन काल में किसी भी माता पिता के लिए बहुत दुखदायी होता है, लेकिन पूरे परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरा समाज खड़ा है और पूरी पार्टी भी खड़ी है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसको लेकर प्रियंका गांधी हो अखिलेश यादव इन लोगों ने एक प्रश्न लगाया है सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार माना जा रहा है कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं पर अपराध हो या आम जन पर हो तो वो बहुत बढ़े, आप कैसे देखते हैं विपक्ष को? देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में भय है, आम जनता निर्भीक हुई है, भय तो माहौल देना और कोई अपराध अगर प्रदेश में घटता है तो उसको दर्ज करना, यह भी सरकार की ओर से स्पष्टता की गई है और उसमें नंबर क्या घटे बढ़े हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम फिर भी अपराध पर अंकुश चाहते हैं और पूरी तरह से जो अपराध हो भी रहे हैं जो कर रहे हैं उनके खिलाफ इतना कठोरता से कार्रवाई की जा रही कि भविष्य में ऐसे अपराधों पे हम पूरी तरह से नियंत्रण करने में सफल। प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर अटैकिंग मोड पे रहते हैं, आप उसको क्या लगता है कि देखिए वो ट्विटर वाली नेता हैं, अभी अपने भाई को और कांग्रेस के अध्यक्ष को जिताने के लिए आई अमेठी से, वो लोकसभा चुनाव हरा करके अपने स्वयं के भाई को गई हैं और जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं चुनावी राजनीति में कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ी है, अब मीडिया उनको स्पेस दे देता है, अब उसके कारण से वो कोई ट्वीट भी कर दिया तो इतना हाईलाइट कर देंगे, इसका कोई महत्व नहीं है कि वो क्या कह रही हैं, महत्व यह है कि हम प्रदेश की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। आप महाराष्ट्र हो हरियाणा हो बाई इलेक्शन हो कल रिजल्ट आने जा रहा है, आप महाराष्ट्र के खुद मुझे हाँ निश्चित तौर से मुझे पूरी मतलब तरह से पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वापस आने जा रही है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के भी शानदार परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।